आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना की दीवार बांध के शुरू होने से पूर्व हुई क्षतिग्रस्त। आपको बता दें कि जुड्डो में लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना का कार्य जहां शुरू हो चुका है, वहीं कार्य शुरू होते ही डैम के अंदर बनाई गई नहर की दीवार रात में पानी का तेज बहाव आने से गिर गई, जिसको लेकर लोहारी गांव के लोगों ने कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए बांध के पास के कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। लोहारी गांव के नरेश चौहान दिनेश तोमर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कंपनी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। पहली बार में ही नदी में पानी आने से दीवार गिर गई। उन्होंने ये भी कहा कि बांध के साइड में जो पहाड़ हैं उनमें भी सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई है, जिससे कि पानी आने से इस पहाड़ का कटाव होगा। वहीं दूसरी ओर मीडिया ने कंपनी के जीएम से भी इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि जो दीवार गिरी है एक टेम्पररी नहर की दीवार बनाई गई है जो कि पानी का तेज बहाव आने से गिर गई। इस दौरान पत्रकारों ने वहां पर हो रहे अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर को लेकर जीएम से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन कौन कर रहा है, यहाँ का पत्थर खनन सामग्री किसके द्वारा ली जा रही है। वहीं पर सिर्फ हमारे जेसीबी मशीन के द्वारा जो मलबा ऊपर से गिरा है उसको हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। ये हम लोग यहाँ पे जो है इस परियोजना से हमारा एक गांव है लोहारी जो एक महत्वपूर्ण रूप से विस्थापित हो रहा है और हमने यहाँ पे 120 दिन धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, इसकी दोहरी नीति है करके उन्होंने हमको शासन प्रशासन के पुलिस के दल बल पे हमको यहाँ पे रात के अंधेरे में उठवा लिया गया है। मतलब आप खुद सोचिए क्या, मतलब जो है ना चंद लोग हम यहाँ थे और पुलिस के बल के साथ पर सैकड़ों पुलिस वाले लेके आए हैं और हमारे चंद साथियों को उठा के जो है शुद्ध वाला जेल में डाल दिया गया है। ये सरकार की दोहरी नीति है, टिहरी में जमीन के बदले जमीन मिल रही है, जमरानी में जमीन के बदले जमीन मिल रही है, लेकिन हमें ये लोग जमीन के बदले जमीन देना तो दूरा, हमारे साथियों को हम लोगों को इन्होंने जेल भेज दिया गया है। दूसरा, सरकार हमारे से अभी तक किसी ने शासन से कोई वार्ता नहीं हो रही है, सरकार ने कोई वार्ता नहीं की है, कोई सरकार का कोई जिम्मेदार नुमाइंदा नहीं आया है। सरकार ने उन लोगों को यहाँ भेजा है जिन लोगों के पास कोई इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उनके पास पावर ही नहीं थी। दूसरा, आप देख रहे हैं इन्होंने जो है ना पानी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया हम लोगों को गिरफ्तारी करने के बाद, और उसके बाद आपने देखा ये कैनाल टूट गया है, पहले झटके में ही कैनाल टूट गया है। डैम का भी आप देख रहे हैं, उसको फाउंडेशन को देख रहे हैं, वो जो वहाँ के डैम की जो कॉन्क्रीट की फाउंडेशन है वो भी ऊपर आ गई है, और इसके नदी के राइट साइड में लेफ्ट साइड में प्रोटेक्शन वर्क होना है। पानी का लेवल देखिए कहाँ पे जा रहा है पानी का लेवल, लेकिन कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये आप दोनों साइडों में देख रहे हैं, जब पानी भरेगा तो पूरा दोनों साइड में राइट साइड में लेफ्ट साइड में पूरा की पूरा ये सब पहाड़ नीचे आ जाना है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? गुणवत्ता के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, गुणवत्ता नाम पे बिल्कुल बेकार है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ भाई चलो हम इस पर जो है विश्वास कर सकते हैं करके जो है। अभी तो क्या है, पानी डाइवर्ट किया है, यदि कल को हम पानी भरेंगे करके इसमें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यदि पानी को डाइवर्ट करने पर टाइम पर ये स्थिति हो सकती है तो जब हम डैम में पानी भरेंगे तो क्या स्थिति होगी, कितनी भयानक स्थिति होगी, इसका शायद किसी को अंदाजा नहीं है। हम उत्तराखंड सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि वो अन्य जगह पर जमरानी में जमीन के बदले जमीन दे सकती है तो हम लोगों को भी जमीन के बदले जमीन दी जाए और यहाँ इसको देखा जाए, इसकी जांच हो जानी चाहिए इसकी कितना गुणवत्ता से यहाँ पे कार्य हो रहा है। ये जल उत्तराखंड जल विद्युत निगम भी उसकी जिम्मेदार है और जो यहाँ गेमन इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रेक्टर्स वो भी उसका जिम्मेदार है, क्योंकि यदि वो काम कर रहा है तो वो जल विद्युत निगम के शहर पे ही काम कर रहा है, यदि उसमें कुछ भी 19-20 हो रहा है तो उसका जिम्मेदार जल विद्युत निगम है। इसके बारे में हम जो आपको अवगत करा रहे हैं, ये अभी पानी जो डाइवर्ट कर रहे थे गेमन कंपनी, वो बिना ब्यासी बांध में बिना प्रोटेक्शन के दोनों साइड जो नदी के दोनों छोर है उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं करा और बिना प्रोटेक्शन करे ही पानी ये डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे ये जो कैनाल बनाई थी ने उसकी दीवार गिर गई है और डैम की नींव तक उससे डैम की नींव को पूरी क्षति पहुँची है और इनके वर्क ऑफ क्वालिटी का साफ यहाँ नज़ारा दिखाई दे रहा है जो परियोजना बन रही है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम और कंपनी जो कार्यदायी संस्था है और जो ठेकेदार है यहाँ पे उनको जिम्मेदार मानते हैं
कि उन्होंने गुणवत्ता का बिल्कुल भी इस परियोजना में ध्यान नहीं रखा है। जब अभी परियोजना बनने से पहले ही सारा उखड़ रहा है, तो जब इसमें पानी भरा जाएगा, झील बनेगी, जब झील पे पानी का प्रेशर होगा, तो इस परियोजना का क्या स्थिति होगी वो भविष्य में देखा जाएगा। मानकों के अनुरूप बिल्कुल भी इस परियोजना में काम नहीं हो रहा है। वो तो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप दिखाओगे इसको, वो आप लोगों ने भी यहाँ पे देख लिया किस प्रकार की सुरक्षा है, जो एक छोटी सी कैनाल के को नहीं संभाल पाए, तो इतनी बड़ी परियोजना को, इतने बड़े बांध को किस प्रकार संभालेंगे। तरह की आप यूडियो मिनल के ऑफिसर से बात करें, डिजाइन ड्राइंग सब क्लाइंट का रहता है, वो डिजाइन ड्राइंग के वो हमको प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से ही काम होता है। हमारा डिजाइन नहीं है इसमें, आप जो रेज कर रहे हैं ना पॉइंट फाउंडेशन की या जो भी है, ये डिजाइन और ड्राइंग सब उन्हीं का है, जिम्मेदारी है उस ड्राइंग और डिजाइन के हिसाब से हमको काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, जो डैमेज हुआ है जो भी है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, वो जस्ट पानी को डाइवर्ट करना। वो आपने देखा होगा डैम के अंदर जो कॉन्क्रीट प्लग हो जाएगा ना, वो सब टेम्परेरी है, उसको उसकी उसके डैमेज होने से कोई स्ट्रक्चर या उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप यूजेवीर से भी कंफर्म कर सकते हैं। आप कंफर्म कर सकते, आप ये देखिए जो हमारा डैम का एक रिजर्वायर लेवल है नीचे का बॉटम का, उसके नीचे तो वो तो डेड स्टोरेज है। फिर आप देखेंगे जब डैम भरेगा ना पानी का, तो एक सर्टेन लेवल तक ही वो पानी यूज होता है, तो नीचे का डेड स्टोरेज रहता है। तो वो मटेरियल आपने देखा होगा जो बाद पहले जो ये हुआ था, वो मलबा आया हुआ है, उसी मलबे को उठाया जाता है। आप देख रहे हैं ECP News, Detective Crime Press.